आज मैं हूँ दिल्ली की तिलक नगर मार्केट में और आज हम ट्राई करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रैप। अब रैप तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन मैं जहाँ पे आपको आज ले जा रही हूँ यहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत ही एक्जॉटिक वेजिटेबल्स वाले रैप। तो अगेन गाइज, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर मैंने ऐसा पहली बार देखा इनफैक्ट कि इतने एक्जॉटिक वेजिटेबल्स वाले रैप भी मिल रहे हैं और बिल्कुल हेल्दी। तो जो इनका बेस है वो हेल्दी है, जो इनमें वेजेस जा रही हैं वो फ्रेशली कट एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं। बहुत ज़्यादा कोई फैंसी सॉसेस नहीं हैं, जो हैं इन्होंने खुद बनाई हुई हैं, हेल्दी तरीके से बनाई हुई हैं। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं, ज़ीरो ऑयल है। जो वेजीज़ हैं उनको कुक करने में बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और बहुत ही हेल्दी रैप्स हैं ये। और इन्हें बनाने वाले हैं शेफ़ विक्रम, जो यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं इस मार्केट में। और प्रॉपर कलिनरी स्किल्स हैं इनकी, प्रॉपर चॉपिंग स्किल्स हैं इनकी, और एक्चुअल में आपको लगेगा कि आप जो है बहुत ही प्रोफेशनली बना हुआ रैप खा रहे हैं। क्या होता है कि मतलब ये सारी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स वगैरह ना, लोगों ने इसका ना बहुत ज़्यादा इशू बनाया हुआ है। बहुत एक्सपेंसिव होती है, इतनी नहीं होती कि हम उसको यूज़ ना कर पाएँ। तो ये थोड़ा सा पहल की है, लोगों को बताने की कोशिश करी है कि इतना महंगा नहीं है, क्योंकि आजकल हेल्दी ऑप्शन है या बहुत एक्सपेंसिव है, और हर बंदा ना डर भी जाता है, हाय मतलब मेरे को ना डाइट करनी पड़ेगी। तो उनको ना डाइट के नाम से मतलब पता नहीं है उनको करना क्या है। डाइट कहने का मतलब उनको लगता है भूखा रहना है। डाइट भूखा नहीं रहना, सही टाइम पे मील खाना होता है। दो तरीके से होता है, एक आदमी का मतलब उसको अपने शरीर से कोई लेना देना नहीं होता, फैटी हो, स्लिम हो, ट्रिम हो, सुंदर हो, बदसूरत हो, कोई लेना देना नहीं, उसे जो खाना खाना है। एक होता है, और आजकल के टाइम पे क्या आ रहा है कि स्लिम रहना है और हेल्दी रहेगा, बीमारियों से दूर रहेगा। तो मेरा मकसद वही है कि मतलब ये सब चीज़ें मतलब लोग खाएंगे, अपने घर में यूज़ करेंगे, बच्चों को खिलाएंगे, शायद थोड़ा हेल्दी रह पाए। बिल्कुल लेते हैं मैम एवोकाडो। सबसे पहली बात तो किसी को यूज़ करना नहीं आता तकरीबन लोगों को, तो ये साउथ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी वेस्ट दिल्ली की बात कर रहा हूँ। होंगे कुछ 5-1% होंगे जिनको यूज़ करना आता है, मोस्टली लोगों को नहीं आता है। तो यहाँ देखते हैं किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। सब्जियों के साथ यूज़ कर सकते हैं आप, उसको सूप करके ऐसे खा सकते हैं, आपने आइसक्रीम ले ली उसमें आप मिक्स करके खा सकते हैं, बहुत तरीके हैं उसको खाने के। आप इसको कच्चा काट के इसको खाओगे तो ये तो नीम से ज़्यादा कड़वा होगा। ये ना मेरे पास इस तरीके से रैप्स होते हैं, ये ब्लैक ग्रेप्स की होती है मैम, इसमें काफ़ी प्रोसेस करना पड़ता है, इसका मिठास निकालनी पड़ती है। ये बिल्कुल सिंपल है, जूस निकालना है आपने और गूंद के ये बन जाएगा, ये बीट रूट है। मेरे पास काफ़ी वैरायटी होती है, सैटरडे संडे जो है हम मतलब ज़्यादा मतलब फ्लेवर लेके आते हैं, और बाकी मैम हल्दी का होता है, फिर मल्टीग्रेन होता है, फिर पालक घिया होता है, पालक का होता है, इस तरीके से है। तो हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेते हैं और हल्का हल्का इसको मतलब जैसे रोटी चुपड़ते हैं इसी तरीके से, थोड़ी सॉफ्टनेस आती है इससे। ये बीट रूट वाला है, तो ये गन पाउडर रैप है, ये कर्ड बेस क्रीम है, मतलब कर्ड ही है, ये हैंग कट की हुई है, तो इसे सॉर क्रीम कहते हैं। और मैं इसमें पनीर की भी क्वांटिटी कोई भर के नहीं, सिर्फ 10-15 ग्राम या हद से हद 20 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं डालते हम। तो ये मस्टर्ड ड्रेसिंग डाली थी, ये गार्लिक है, ये पेपर सॉस है, ये इसकी बनती है। इसमें दो तरीके की चिल्ली डालते हैं हम बैलेंस करने के लिए। इसमें मस्टर्ड, फिर से ये गन पाउडर है, यही होता है गन पाउडर, इसी को ही डाल के इसका नाम तभी रखा हुआ गन पाउडर है मैम। ये भी बहुत अच्छा मतलब इसकी रेसिपी है, ये उड़द दाल, चना दाल, ब्लैक पेपर, काफ़ी इसमें इंग्रेडिएंट डलते हैं और ये बहुत लाइट होता है। तो इस तरीके से ये दिखता है, इस तरीके से कैसेडिया मैम एक्चुअल में देखा जाए कैसेडिया कैसो मतलब चीज़ से भरी हुई एक रोटी है,
ठीक है, थोड़ा स्टफिंग कर सकते हो आप, बट वो चीज़ का ही है, हमने चीज़ ही हटा दी उसमें। थोड़ी मल्टीपल सॉसेज वगैरह डालते हैं हम, और उसमें काफ़ी वैरायटी के वेजेस डालते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो सब्जियाँ जाती है शरीर में और सॉसेज थोड़ा फ्लेवर ले आती है, और वो भी नेचुरल सॉस है उसमें, कोई ऐसा नहीं है कि उससे खा के आपको कुछ नुकसान होगा। हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं, अनियन ले लेते हैं। हमने रैप का साइज बहुत छोटा रखा हुआ है और सब्जियों की क्वांटिटी बहुत हाई रखी हुई है, तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर में गेहूं का आटा कम जाता है और सब्जियां ज़्यादा जाती है। हमारे दादी ऐसे बोलती थी कि हमें ना आटा चावल वगैरह थोड़ा कम खाना चाहिए और हमें सब्जियां वगैरह ज़्यादा खानी चाहिए। हमारी मील में कुकुम्बर और टमाटो ये मस्ट है, हर चीज़ में कुकुम्बर और टमाटो होता ही है। और मैं ये इसलिए यूज़ करता हूँ, इसमें नेचुरल अल्कलाइन वाटर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत तरह तरह की बहुत एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं, तरह तरह की कैप्सिकम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टमेटोज़ हैं, ऐसे टमेटोज़ मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, एस्परेगस है, एवोकाडोज़ हैं, ब्रसल्स स्प्राउट्स हैं, जुकिनी है, रेड कैबेज है, तो बहुत सारी कलरफुल एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं जो कि देखने में इतनी टेम्पटिंग लगती हैं कि आप अपने आप ही इनके पास खींचे चले आते हो। इसको देखकर ही कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना कि इतनी सारी वेजीज हमारे अंदर जाएंगी और बिल्कुल प्योर फॉर्म में, कोई मिर्च मसाले नहीं, कोई फैंसी सॉसेस नहीं, कोई तड़का मसाले नहीं, प्योर वेजिटेबल्स, इतना सारा जो विटामिंस मिनरल्स हमारे अंदर जाएंगे, ये देखकर ही कितना अच्छा लगता है और टेम्पटिंग तो है ही। तो ये सारी मेरी सब्जियाँ तैयार हो चुकी हैं, इसमें हम मशरूम नहीं डालते हैं क्योंकि जब बल्क में बनता है, क्योंकि मशरूम किसी किसी को नुकसान करता है, और हम इसमें कोई ऑयल नहीं डालते हैं। हाँ जी, इसमें इसको सही सही पकाने का क्या है, ये मैंने नेचुरल सोर्स लिया हुआ है, जैसे ऑयल का काम करता है कुकुम्बर टमाटो, इसको बस हल्का सा सॉल्ट डालना है और इसमें स्पाइस सीजनिंग पाउडर डालना है बस। इसको 10 या 12 गिनने तक बंद कर देते हैं, हम इसको ओवर नहीं करते हैं। ये बस इतना ही करते हैं। ये ब्रशेस स्प्राउट्स है, ये भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं खाने। जब सब्जियां सस्ती होती है लोग खाते नहीं है, यही ब्रोकली सर्दियों में 30 रुपये भी मिलती है, 80 भी मिलती है, 100 भी, गर्मियों में ज़्यादा चाह हो जाती है क्योंकि हमने इसको ना 400 रुपये में ही ख़रीदना है। एप्पल खाना है तो इम्पोर्टेड खाना है, ये नहीं कि हमारा लोकल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो वॉक इन में नहीं रखा होता, फ्रेश आता है। हमें पड़े हुए खाने की आदत है, हम कहाँ से सुधरेंगे, इसलिए हमने भी ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, पड़ा हुआ नहीं देना है, हाँ फ्रेश ही देना है, जितना कट जाए उतना ही देना है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते गाइस, मैं खुद भी दिल्ली में तिलक नगर से हूँ, मैंने अपना सारा बचपन तिलक नगर की गलियों में गुजारा है, मेरी स्कूल लाइफ, मेरी कॉलेज लाइफ यहीं पे बीती है और मेरा मायका अभी भी यहीं है, तो शॉपिंग करने हम लोग हमेशा अभी भी तिलक नगर मार्केट में ही जाते हैं, जो कि दिल्ली की बहुत पॉपुलर मार्केट है। और आज भी मैं यहाँ पर आई हूँ, तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट ये वाली मार्केट्स मैंने इतना एक्सप्लोर करी हुई हैं और इनका काम मुझे बहुत पसंद आया, इनका कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और जो लोग इसे देख रहे हैं शायद उन्हें भी आइडियाज़ आएँ और वो भी इस आइडिया को और आगे प्रमोट करें। तो जब हमारे सामने हेल्दी ऑप्शंस होते हैं तो हम हेल्दी चीज़ें ही खाते हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके देख करके, इतनी भीड़ है यहाँ पर, लोग प्रेफर कर रहे हैं, जबकि तिलक नगर मार्केट में और भी शॉप्स हैं जहाँ और बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें मिल रही हैं, उनको छोड़ के लोग अगर यहाँ आ रहे हैं, हेल्दी वेजिटेबल रैप्स खा रहे हैं, हेल्दी सैलड्स खा रहे हैं, कैसेडियाज खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके पास हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग भी अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हेल्दी खाने की क्या इंपॉर्टेंस है,
और स्नैकिंग के लिए या एज अ मील यहाँ पर आ रहे हैं और ये सब चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। तो देश बदल रहा है, यू नो, वो अवेयरनेस आ रही है, लोगों की चॉइसेस जो हैं वो अब रिफ्लेक्ट हो रही हैं इन चीज़ों में। तो बहुत अच्छा लगता है देखकर और लगता है कि हाँ, इन चीज़ों को हमें प्रमोट करना चाहिए, इनको लोगों के सामने लाना चाहिए, वो अवेयरनेस आनी चाहिए। तो इस शॉप का नाम है रैप हट और ये तिलक नगर मेन मार्केट में है। यहाँ पे एक 7 मंजिला मंदिर है जो कि बहुत फेमस है और उसी के बिल्कुल नीचे बहुत पास में ये छोटी सी शॉप है जहाँ पर आपको ये टेस्टी रैप्स मिलेंगे। तो अगर आप आसपास रहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ और ये रैप्स ज़रूर ट्राई करें। आई एम श्योर यू विल लव इट। अगर आप भी किसी को जानते हैं जो ऐसे हेल्दी चीज़ें बना रहे हैं, हेल्दी चीज़ें बेच रहे हैं और हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कभी मेरा मौका लगा तो मैं उनके पास भी वहाँ जाऊँ, उनकी भी हेल्दी चीज़ें ट्राई करूँ और आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी।